बचपन से दिल्ली का हर लड़का पहले तो ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे आप ये दिल्ली दिल्ली की बात करते हैं कौन सी वाली दिल्ली दिल्ली में बहुत सारी दिल्ली हैं आप कौन सी दिल्ली के जी मैं मैं साउथ दिल्ली से हूँ अच्छा हाँ तो वो तो आप तो फिर वो थोड़ी नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे दादू इंडियन आर्मी में से थे तो हम लोग Uh, उस फोर्सेस बैकग्राउंड से ही भले बड़े वहाँ अच्छा, पे तभी आजकल आप ये सब कर रहे हैं गन फाइटिंग वगैरह <laughs> जी आई थिंक यूनिफॉर्म की अगर आप बात करें तो वो uh, मेरे लिए एक पर्सनल uh, अटैचमेंट भी हो या आई थिंक इन रिसेंट टाइम जैसे शेर शाह पिक्चर आई थी उसमें uh, जो किरदार निभाने का मुझे मौका मिला उससे पर्सनली काफी अटैच था मैं आई थिंक ए फॉर श्योर दैट मेरे जो दादू थे उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया Uh, मेरे काफ़ी जो uh, रिश्तेदार भी हैं वो uh, हालांकि तो अभी रिटायर्ड हो गए पर वो भी सर्विस में थे uh, हम नहीं जा पाए तो इट इज़ जो अपनी मन की इच्छा थी जो घर की इच्छा थी वो हम पूरी कर रहे हैं रियल लाइफ हीरोज़ की कहानियाँ वहाँ दर्शा के तो आई थिंक uh, ये भी एक छोटा सा योगदान है बिकॉज एज एनी ऑर्डनरी सिटीजन शायद हमें रोज़ पता नहीं होता कि यार इस वक्त भी जैसा कि उन्होंने अभी सिक्योरिटी की बात करी या या आप सरहद पे हो या आप देश के बाहर भी हो 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए तो अगर हम उस पर अगर उन उनपे एक मीडियम बन जाए आपको दिखाने के लिए कि वो कितनी खूबसूरती से या कितनी बहादुरी से वो अपना काम करते हैं तो आई थिंक वो एक हमारा एक योगदान है क्योंकि वो भी बताना बहुत ज़रूरी है एक किस्म की कि लोग उसको अप्रिशिएट तभी करेंगे जब लोगों को जानकारी होगी कि यार एक ऐसा मिशन हुआ था यार कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा एक फ़ौजी था या मिशन मजनू में हमने एक जो इंडिया का फर्स्ट कोवर्ड ऑपरेशन किया था अबाउट द न्यूक्लियर पावर दैट आर नेबरिंग कंट्री वॉज डूइंग सो आई थिंक ये चीज़ें अगर आप कभी दिख दर्शाओगे नहीं पर्दे पे तो दिखता नहीं और आई एम आई एम मोस्ट एक्साइटेड मैंने रीच सर्च थिंग्स ऑन द स्क्रिप्ट किया सच भी है और इतना हीरोइक भी है और उसको बनाते हैं करते हैं तो ये तो ये तो इट्स बीन ट्वेल्व ईयर्स इन स्टूडेंट ऑफ दी जी जी तो ये बारह साल बाद आप ये सब चूज कर सकते हैं जी लेकिन उस बारह साल पहले भी तो कुछ स्ट्रगल रहा हुआ तो होगा ना ये बार बार जो लोग कहते हैं आ, कि आप आउटसाइडर हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने होते हैं लेकिन सपने पूरे सिर्फ दो तीन लोगों के होते हैं एक अमिताभ बच्चन के हुए एक शाहरुख खान के हुए एक और आपके हुए जो आउटसाइडर होकर बाहर पहुँच गए वहाँ पे <laughs> आ, जी बिल्कुल वो सफ़र बहुत ही उस सफ़र में काफ़ी सफरिंग थी इतना भी आसान नहीं था हम मैं तकरीबन बीस बीस इक्कीस साल का था जब मैंने दिल्ली में एक, एक एजेंसी के कहने पे ऑडिशन दिया एजेंसी मतलब हाँ ए मॉडलिंग एजेंसी कह लो आप या जो एजेंसीज एक्टर्स को भी ऑडिशन देकर आगे फॉरवर्ड करती हैं उन्होंने आपको कह, कहाँ देखा उन्होंने एक्चुअली मेरी एक तस्वीर देखी थी आ, उन्होंने पेपर में जब पेपर हम में फैशन फैशन मॉडलिंग के वॉक्स करते थे अच्छा तो वो फोटोज आती थी डिजाइनर कपड़ों में चेहरा आता था फिर एक पहला मैंने ऐड किया था एक मोबाइल फोन के लिए

जी तो वहाँ से एजेंसी के बाद जब एक प्रोड्यूसर साहब थे एक डायरेक्टर साहब थे जिनको पसंद आई वहाँ पे अनुभव सिन्हा जी जिन्होंने okay. काफ़ी इंटरेस्टिंग काम भी किया है पिक्चरें बना चुके हैं उस वक्त एड लैब्स के साथ कोशिश कर रहे थे कि वो नए लड़कों को लॉन्च करें अब इतफाक है कि वहाँ पे आप ऑडिशन देते हो या हर किसी फील्ड में भी आप जब प्रेप करते हो किसी चीज़ के लिए हमने एक साल लगाया वहाँ पे हमें मुंबई गया एक साल जी

अचानक से हमें पता चलता है कि उनके पास एक एक और एक चीज कमिटमेंट है बेहतरीन कमिटमेंट है जो कि पिक्चर डिले हो गई है या शायद ना हो या कोई और डायरेक्ट करे उसको मतलब शूटिंग शुरू होने वाली होने वाली होने वाली हुई हो नहीं जी हुई नहीं तो ऐसी बहुत पिक्चरें होती हैं तो मैं भी उनमें से था मैं मैं इक्कीस तब कम से कम में बाईस साल का हो गया था और बम्बई में था, था तब और तब जब बॉम्बे में होते हो और आ, आप दिल्ली में बोल के आते हो कि मैं तो हीरो बन गया हूँ और जा रहा हूँ हीरो बनने तो फिर तो यहाँ क्या बताया आपने कि शूटिंग हाँ पे बस यही बोला कि शूटिंग शुरू हो रही घर में एक्चुअली मैं घर वालों को तब कुछ बताता ही नहीं था कि बस बोल रहा था हाँ बस छ महीना और छः महीना और।, और उस छह महीने में जो आई थिंक uh, मेरी बेस्ट ट्रेनिंग रही है पर्सनैलिटी की क्योंकि जब आप कंप्लीटली लॉस्ट होते हो वैन यू हैव जेन्यली नो प्रैक्टिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड आप उस डेस्पिरेशन में कुछ इंटरेस्टिंग करते हो आप जैसे मुझे याद है एक एक रिक्शा राइड थी उस टाइम पे जब मैं अपने दोस्त के साथ रिक्शा में जा रहा था कि मैंने कहा यार ट्रेनिंग तो कर ली ये कर ली अभी काम कहाँ से ढूंढे कहाँ से ऑडिशन दे तो उसने कहा यू नो यार तेरी तो भाषा भी सही है बाकी लोगों की भाषा हिंदी में दिल्ली में हिंदी साफ बोलते हैं तो वो कोई फलाने एक्टर की बात कर रहा था तो मैंने कहा तुझे कैसे पता कहता नहीं यार जब मैं एडी था तो तब मैंने नोटिस किया कि ये एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर तो तब मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया मैंने कहा एडी माने तो इसने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर तो मैंने कहा वो क्या होता है इस नहीं हम डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं एक, एक बड़ी पिक्चर बनाने में उसमें पता चलता है कि एक्टर का प्रोसेस क्या है एक्टर काम कैसे करता है तो मेरे को वो रिक्शा राइड इतनी स्पेसिफिकली याद है अंधेरी के अंधेरी से हम जूसल में जा रहे थे और आ, कि तब मेरे जहन में कुछ आया कि यार अगर ऐसा मौका मुझे मिले आ, एक फिल्म सेट पे होने का जहाँ पे मैं चीज़ें यू नो देख पाऊँ ऑब्जर्व कर पाऊँ तो आई थिंक शायद मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली समझ पाऊँ कि मूवी बिजनेस चलता कैसे तो उस उस महीने से उसी हफ्ते से मैं स्ट्रेट गया सेम प्रोडक्शन हाउसेस एजेंसीज आपके पास ना कि बतौर एज ए एक्टर बट बतौर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइंग टू बी एन इंटर्न आपने एक्टर आप, वाली ऑडिशंस नहीं दी नहीं पर उस वक्त से मैंने शिफ्ट कर दिया वो जो मैंने जो मैंने 3 महीना बिताए आई थिंक दैट वाज डेस्टिन फॉर मी टू

तो कौन सी पिक्चर थी है? फिर हमें एक मैंने गाना किया था एक पिक्चर का फिर जो पूरी फुल फ्लेजेड पिक्चर हमने करी वो मुझे तब एंट्री मिली आ, धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में उसमें उस से एक थे जी हम लोग हम लोग नहीं बहुत बड़ी पिक्चर थी हम आठ असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे और आठ में से मैं था तब मेरी गिनती बीच में आ रही थी उसमें तो वरुण धवन भी वरुण धवन भी तो आप दोनों डायरेक्टर थे वो स्टूडेंट ऑफ ईयर में ले लिए वो इत्तफाक है तब नहीं पता था तब नहीं पता था मेरे को कम से कम उस पिक्चर को मैं प्री प्रोडक्शन में भी था जो कि पिक्चर से पहले प्रेप होती है वरुण आए वरुण शूटिंग में भी आए और वरुण पोस्ट प्रोडक्शन में ही था तो मैं वहाँ तब भी रुका बिकॉज मेरे लिए वो सबसे कीमती एक्सपीरियंस था कि मुझे यार इट फेल्ट लाइक द बेस्ट फिल्म स्कूल ए, एक डेली बॉय को जिसको एक्टर बनना है इतने बड़े सेट पे शाहरुख और काजोल डायलॉग्स बोल रहे हैं और आपको उनके डायलॉग्स पढ़ने का मौका मिल रहा है पहले उनका प्रोसेस देखने का मौका मिल रहा है तो वहाँ से वो जर्नी इतफाका ऐसा हुआ कि यार जब हम एज एन एडीज़ कैमरा फेस करते थे कभी कभी मार्क के लिए जैसे ये लाइटिंग यहाँ पर हो रखी है तो ये लाइटिंग सही है कि नहीं आ चल खड़े हो जल्दी हो हाँ ओके सर तो स्टैंडिंग देर और उस स्टैंडिंग देर में लाइट उस फेस पे कैसे आ रही है जी तो वो मॉनिटर देखते थे तब हमारे कैमरामैन तो वहाँ देख देख कर कैमरा जी ने कोई कमेंट किया कि इसका ये टेक्सचर ठीक है लड़का वहाँ पे करन जोर जी ने देखा कि अच्छा इस पे कैमरा ऐसा लगता है फिर कोई राइटर देखता है तो ऐसे ऐसे उन लोगों के जहन में एक इम्प्रेशन बैठता है कि ये ठीक ठाक पर्सनैलिटी है एक तरह से आपका जो आप लाइट टेस्टिंग करा रहे थे या कैमरा पोजीशन टेस्ट करा रहे तो थे आपका, आपका स्क्रीन टेस्ट हो मेरा रहा है। स्क्रीन में दो साल इतना घसीटा वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट कर जहाँ मौका मिलता था हम लोग चाहे काजोल मैम की लाइटिंग हो या शाहरुख सर की लाइटिंग हो हम करते थे वहाँ पर और उसी दौरान आई थिंक तभी आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें जुड़ती हैं आगे क्योंकि अगर मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्शन के जॉब के लिए चेस नहीं किया होता मुझे स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ईयर शायद नहीं मिलती क्योंकि उसके प्रोसेस के बाद ही जब करण सर ने हमें मेरे को और वरुण को Uh, कैमरा के पीछे पर्दे में एक डेढ़ देख साल देखा हरकतें करते हुए कि भाई इनमें भी जज्बा है इनको एक्टर बनना है और तब तो फुल जज्बाती ऑडिशन देने में हम तैयार uh, वहां से uh, उन्होंने फिर हमें तीन महीना ऑडिशन uh, लिए बिना बताए कि यार उनकी तो, पिक्चर के वो तो, के वो तो लेकिन डेविड धवन के बेटे थे ना आप तो बाहर से आए हुए थे जी तो उनके चांसेस ज्यादा थे जी आई थिंक अवेयरनेस ज़्यादा थी चांसेस के पता नहीं बिल्कुल कि कोई जब आ, उस माहौल में बड़ा बड़ा होता है तो एक अवेयरनेस होती है कि यार जैसे तभी शायद जैसे उनको वरुण वाज मोर अवेयर कि यार पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग क्या होता है यू नो मे बी क्योंकि डेविड सर एक एडिटर थे आ, अपने यंगर डेज से तो हुँ. वो नॉलेज है और मुझे वो नॉलेज उसी फिल्म के थ्रू मिली मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एडिट पे कि अच्छा यार अच्छा ऐसा एक एक कट काट करके आप पूरी पिक्चर बनाते हो तो मेरे लिए तो वो एकदम डिजनी लैंड था उस टाइम पे

I think at that time for any मतलब अच्छा, तो उसमे मेरा ग्यारह हजार रुपए का रेंट था उस टाइम पे वहाँ पे हम जूहू में तीन लड़के साथ में रहते थे आ, वो, वो उनमें से एक एम बी ए में आई थिंक एक आ, अभी बिजनेस कर रहा है अच्छा। तो सबके थोड़े अलग अलग चीज़ उनमें से एक को एक्टर नहीं बनना था लकली तो वो सक्सेसफुल आगे निकल गया जिनको एक्टर्स बनना था वो हम ही लगे रहते थे जिम और फिटनेस में और उसमें अपना रेंट कर रहे हैं साथ में जोड़ जोड़ के बट आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम बिकॉज वो स्ट्रगल के डेज की जो मस्तियाँ होती हैं वो अलग होती है हमारे पास uh, मुझे याद है uh, जैसे वन एंड हाफ बेडरूम था तो मैं हाफ़ बेडरूम में रहता था और इस तरफ पूरी खिड़कियाँ थी एक हाफ बेड था और कबड़ से तो जब हम शिफ्ट करे थे हमने कहा चला है पर्दे लगाएंगे लगाएंगे देखते हैं जब अंदर घुसते हैं तो हम दो साल वहाँ पर रहे वो कभी हमने उतने पैसे खर्चे ही नहीं कि हमने पर्दे लगाए उसमें तो आ रात को वो जूहू बिल्डिंग इन तीन लड़कों को देख चुकी होगी आई थिंक उस दो साल में कि वो किसी भी हालत में वो नहा के बाहर निकल रहे हैं वो तैयार होकर बाहर जा रहे हैं हमने ना बिना बे पर्दे के उसको उस घर को रखा था और इतनी मस्ती करी थी और अब तो आप बिना पर्दों के रह नहीं सकते जी बिल्कुल अब तो पर्दे वो अब उल्टा हो जाता है

आज के दौर में एवरीबडी वॉन्ट्स समथिंग विच इज ऑथेंटिक विच इज रियल उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम लोग बाकायदा रियल लाइफ एथलीट्स की तरह ट्रेन करते हैं जैसे मैंने एक फिल्म करी थी ब्रदर्स अक्षय कुमार जी के साथ या तो मैंने हाल ही में जो जो योद्धा करी है इन दोनों पिक्चरों में हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स आए हैं फ्रॉम द यूएस साउथ अफ्रीका से उन्होंने आपको ट्रेन किया उन्होंने बाकायदा हमें ट्रेन किया है एकदम एथलीट्स की तरह वो हमें इतनी इंटरेस्टिंग ड्रिल्स कराते थे कि रियल लाइफ जैसे एक बॉक्सर कैसे ट्रेन करता है या एक रियल लाइफ कमांडो कैसे ट्रेन करता है कैसे कैसे करता है बहुत चीजें आपको दिखा हैं। है आ, 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 आप सकते हैं ड्रिल्स भी हैं आप हम ड्रिल्स दिखा सकते हैं किसी को बुलाते हैं ये करेंगे। सोनल वाह आइए ये ट्रेन करेंगे आपको बॉक्सिंग में वेरी गुड मेस विद यू यू कैन रिमूव ये

Listen, this will come in handy. I want to see your fitness thing. Now you put your fingers there. Now you turn around ten times. Shut your eyes. fast. But fast. Bend down a little bit. Not Squat. Squat no. down. Okay. Squat, <laughs> Achha, go one more. One more time. Ten times. One, two, three. Faster, faster, keep going. Oh. Right. Shut your eyes. And now two more.

ओके नाउ यू आर अ बिट डिजी ओके सो देन दिस इज द ट्रिक बट यू हैव परफॉर्मड रियली वेल मेरा हाथ अभी भी दुख रहा है चलिए थैंक यू थैंक यू सोनू तो uh, मतलब ये एक्चुअल जो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है जी ये आप यूनिफॉर्म की आपने बात की आपको इस तरह की इमेज बना रहे हैं जैसे uh, 60s 70s में मनोज कुमार ने भारत कुमार के बनाई थी अरे वाह

और अब जब मैं देखता हूँ तो आई थिंक वीव गॉन फार्म और इनवर्ड्स एंड वी हैव सो मच टू बी प्राउड ऑफ एंड वी हैव एवरी टेक्नोलॉजी एवरी फैसिलिटी जो बाहर है तो तभी हम एक अपनी पिक्चरों में भी जब भी दिखाते हैं अपने फौजी या जैसे मैंने हाल ही में पिक्चर करी योद्धा जब उसके हम कमांडोज भी दिखाते हैं उसकी ट्रेनिंग भी दिखाते हैं या उसकी काबिलियत भी दिखाते हैं आई थिंक इट्स एट पार विद एनी अदर यू नो मिलिट्री एजेंसी और मिलिट्री फोर्स ऑफ एनी अदर कंट्री आई थिंक हमारे जो जितना मैंने भी देखा है शेरशाह मूवी के दौरान जो ट्रेनिंग होती है जो उनकी वेपनरी है वो पिछले दस सालों में जो जो बढ़ोती हुई है वो खुद फौजी बोलते हैं यार कि सर आज एट पार विनी बडी एल्स इन कंट्री एनी द वर्ल्ड एंड आई थिंक वो चीज़ हमारी कोशिश रहती है कि नया भारत एक यंगर भारत एक फुर्तीला भारत एक एक थोड़ा शार्प और ख़ूबसूरत भारत दिखाने की कोशिश रहती है

टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी सारी ऑप्शन हैं इंटरटेन होने के लिए आज लोग हमें भी इधर इस स्टेज पे नहीं कोई कहीं और अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहा है कोई अपने टीवी पे देख रहा है कोई अपने दूसरे ऐप से देख रहा है अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है पूरे मीडियम की इन साल एब्सोल्युटली आई थिंक हमने जब हम लोग आए थे अपनी पहली पिक्चर पे तब सोशल मीडिया नहीं था ऐसा जो कि आज है पिछले छः सात सालों में लोगों के पास बहुत ऑप्शन हैं इंटरटेन होने के लिए मूवी तभी हम जैसे इंडियन पुलिस फोर्स हमने शो किया था अमेजोन के साथ मैंने और मिस्टर रोहित शेट्टी जी ने उसका इंटेंट वही था कि हम हम वो ऑडियंस को भी लेकर आए जो कि आजकल ओटीटी पे है घर बैठ के पिक्चर घर बैठ के शो देखना चाहता है हम थिएटर में भी आ रहे हैं कि वो ऑडियंस को भी एंटरटेन करें कल अगर कोई और नया मीडियम शुरू होगा तो हम एक्टर्स वहाँ भी पहुँच जाएंगे आई थिंक एक्टर को सिर्फ एक्टर से मतलब है एक्टिंग से मतलब है कि हम हर मीडियम में ऑडियंस से कनेक्ट करें अलग अलग कहानियाँ दर्शाएँ Uh, मुझे पर्सनली रियल लाइफ स्टोरीज बहुत पसंद आती है इसीलिए मैं भारत की कहानियाँ चुनता हूँ जहाँ पैर मुझे पता है कि असली में हुआ है और इससे हम रियल लाइफ हीरोज़ को इंस्पिरेशन uh, तरीके से दर्शा सकते हैं चाहे वो ओ मीडियम हो चाहे वो थिएट्रिकल हो या चाहे कोई नया मीडियम कल आ जाए पता नहीं बट द अटेम्प्ट इज़ टू कीप एंटरटेनिंग एंड शोकेसिंग इंडियाज़ ब्रेव स्टोरीज एंड होपफुली अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो बी अ पार्ट ऑफ सम इंटरेस्टिंग कैंपेन्स दैट वी आर प्लानिंग वेरी सुन पर्सनली ऑल्सो एज ए सिटीजन वु वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेनी कॉजेज बट बहुत जल्द उसका कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और प्लान करेंगे तो फाइनली फाइनली आप uh, अपने जैसे और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा बनना चाह रहे हों जी उनको कैसे इंस्पायर करेंगे क्या एक लाइन बोलेंगे कि ये जरूर ध्यान रखना आई थिंक उसके लिए एक, एक योद्धा एटीट्यूड जो कि मैं अपनी पिक्चर में बात कर रहा था होना बहुत जरूरी है Uh, हमें कौन कभी भी सफलता या सक्सेस आपको पहले वर्ड गो से नहीं मिलती है और अगर आप मिल जाती है शायद आप उसकी कदर नहीं करेंगे स्पेशली भी किसी किसी क्रिएटिव फील्ड में तो एक योद्धा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप रिजिलियंट रहे आ, अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को ना खोएं दुनिया चाहे आ, आपको जो भी उस बोले पर जो दुनिया चाहे उस वक्त आपके टैलेंट को ना देखें पर वक्त जरूर आएगा और उस कॉन्फिडेंस से डटे रहें कीप द योद्धा एटीट्यूड ऑन और वक्त आता है जैसा सिद्धार्थ मल्होत्रा का आ चुका है बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए राइजिंग भारत थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिद्धार्थ मल्होत्रा थैंक यू सिद्धार्थ एंड किशोर फॉर अ वेरी एंटरटेन